हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी लोगों का। आई होप बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे। तो गाइस, हम फिर से लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए LR में फोटो एडिटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल होने वाली है और बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। आप इसको एडिट कर सकते हो अपने फ़ोन में और बहुत ज़्यादा बढ़िया फोटो एडिट आप कर सकते हो, जो कि हम बताने वाले हैं कि आप फोटो अपना नॉर्मल एडिट कैसे कर सकते हो। तो गाइज, ये वीडियो जो है एक डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है जो कि बिगनर्स के लिए है। जो लोग DSLR से फोटो क्लिक करते हैं या फ़ोन से करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारी फोटोज़ जो है उसमें कलर थोड़ा सैचुरेशन वगैरह वाइब्रेंस उसका बढ़ जाए और क्वालिटी ओवरऑल अच्छी लगे, और इंस्टाग्राम पे जब फोटोज़ डालें तो वो काफ़ी अच्छा ओवरऑल लगे। तो इसी के लिए हम आपको एक वीडियो एडिटिंग के ऊपर लेके आए हैं। तो लेके चलते हैं अभी LR एप्लीकेशन में, और चलिए फ़ोन के स्क्रीन पर चलते हैं और दिखाते हैं। चलिए चलते। तो गाइज, ये जो हमारा फोटो है स्क्रीन पे, इसको हमें रिटच करना है सिंपल तरीके से, जो कि आप बिगनर हो तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो और अपनी फ़ोटो में बहुत अच्छी टोन ला सकते हो। तो अब इसके बाद हमें यहाँ से सेंड पर क्लिक करना है और LR में अपने फ़ोटो ऐड कर देना है। LR में फ़ोटो ऐड होने के बाद हमें जाना है LR एप्लीकेशन में, और यहाँ हमारा फ़ोटो आ जाएगा। तो इसको अभी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में और इसके एक्सपोज़र को थोड़ा सा कम कर लेंगे, और यहाँ से इसको हमें माइनस करना है, और इसके बाद हाइलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और शेडोज़ को थोड़ा सा अप कर देंगे, एंड ब्लैक्स को हम यहाँ पे कर देंगे माइनस इतना। इसके बाद हमें जाना है इससे नेक्स्ट टूल में, टेम्परेचर वाले में, और यहाँ से टेम्परेचर को जो है हमें ब्लू के साइड कर देना है। इतना परफेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ से वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे इतना, और इसके टिंट को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ग्रीन की तरफ। और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से मिक्सचर वाले टूल में, और यहाँ पे येलो कलर जो है वो बिल्कुल सैचुरेशन डाउन कर देंगे, और थोड़ा सा इसका जो ऑरेंज कलर है वो भी हम फेस से कम करेंगे, और ल्यूमिनेंस को हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ से देख रहे होंगे कि इस पे फेस पे जो है यहाँ पे ग्लो आ रहा है और यहाँ पे डाउन हो रहा है, तो आपको इसके प्लस के साइड लेके जाना है ताकि आपका जो फेस है वो थोड़ा ग्लो करने लगे। और यहाँ से हमें इसके बाद जाना है रेड कलर में, और इसकी ल्यूमिनेंस को भी बढ़ा लेना है। और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ से ग्रीन ग्रीन कलर में, और इसकी सेचुरेशन को कर देते हैं यहाँ से डाउन, और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे कियन कलर में, इसकी सेचुरेशन को हम यहाँ से अप कर देंगे, ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ से ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर हमारे फ़ोटो में है बहुत ज़्यादा, ये जो आपको स्वेट शर्ट पर दिख रहा होगा, तो हमें इसको एडजस्ट करना है, तो वो करते हैं आप। तो ये इतना अभी परफेक्ट है। यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये कियन कलर आ गया, ये नॉर्मल ब्लू, उसके बाद यहाँ से डार्क और ये पिंक वगैरह। तो मैं अभी इतना कर लेता हूँ, और थोड़ा सा इसका सेचुरेशन हम इतना रख लेंगे, और ल्यूमिनेंस को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ से पर्पल वाले कलर में, तो ये हमारे हेयर पे जो है वो आ रहा है थोड़ा सा कलर पर्पल, तो इसको हम एडजस्ट करते हैं, इसको हम कर लेंगे यहाँ पे माइनस की साइड। अगर आपको चाहिए हो अपने फ़ोटो में पर्पल कलर तो आप ऐड कर सकते हो, और ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे, और मेजेंटा में जाने के बाद यहाँ से इसको भी हम माइनस कर देंगे और ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे। अब यहाँ से करते हैं फ़ोटो को डन, और इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन में। अब यहाँ से टेक्सचर को करते हैं हम थोड़ा सा अप, और क्लैरिटी को हम यहाँ से बढ़ा देंगे, एंड विग्नेट को इसके बाद यहाँ पर ले जाना है हमें माइनस के साइड। अब ये जो ब्लैक ब्लैक सारा विग्नेट आ गया है चारों तरफ, इसको हम फीदर से यहाँ से कवर करेंगे। पहले हम मिड पॉइंट को ठीक कर लेते हैं इतना, और इसके बाद फीदर को हम कर देंगे पूरा यहाँ से ऑन। अब इसके बाद हम जाते हैं हाइलाइट्स पे, और हाइलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि जो ब्लैक्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल लगें। ओके, तो इतना परफेक्ट है। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ से शार्पनिंग वाले ऑप्शन में, और इसकी शार्पनिंग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब फाइनल चलते हैं अब यहाँ से लाइट्स में,
लाइट्स में चलने के बाद यहाँ पे हमें एक्सपोज़र को बढ़ाना है, क्योंकि जो हमारा फ़ोटो है तो वो थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो अभी इसको हम ठीक करते हैं। इतना तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो ब्राइट है और साइड के जो एजेस हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं। और यहाँ से हम ब्लैक्स को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। और यहाँ से इसकी सैचुरेशन को भी हम बढ़ा देंगे इस तरह से। और यहाँ से इसको कर देते हैं हम डन। तो ये हमारा फ़ोटो रिटच हो चुका है। आप भी इस तरह से अपने फ़ोटोज़ को रिटच कर सकते हो। तो मैं अभी आपको इसका बिफ़ोर आफ्टर दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा बिफ़ोर वाला फ़ोटो और ये है हमारा आफ्टर वाला फ़ोटो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें बहुत ही क्लासिक एडिटिंग हो चुकी है, जिसको हम नॉर्मली रिटचिंग कहेंगे बहुत अच्छे से, जो कि लोग नॉर्मल फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं वो उस तरह से हमने आपको करके दिखाया है लाइट रूम में। ये है इसका बिफ़ोर आफ्टर। तो आप भी ट्राई कीजिए और अपने फ़ोटो पर लगाइए ये टून। तो गाइस आप ऐसे फोटो एडिट कर सकते हो अपने फोन में, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान होता है फोटो एडिट करना। 2 से 3 मिनट में आप फोटो अपना एडिट कर सकते हो, और उसका प्रोसेसर भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और आप इसको फोटो एडिट करने के बाद आप हमारे जितने ज्यादा वीडियोस देखोगे उतने ही बढ़िया बढ़िया आपको अपडेट मिलते रहेंगे एडिटिंग के ऊपर भी। और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो, और ये बहुत ज्यादा नॉर्मल एडिटिंग थी जो कि आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। तो गाइज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी एडिटिंग करना LR में, तो आप इस तरह की एडिटिंग कर सकते हो, जिससे कि आपकी फ़ोटो जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है और इंस्टाग्राम पर आप उसको अच्छी क्वालिटी में अपलोड कर सकते हो। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। बाय।